स्वागत है बच्चों हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा नौ का विषय हिंदी का क्विज अभ्यास जो कि सप्ताह पच्चीस का है और पच्चीस दिसंबर दो हजार इक्कीस को डाला गया है इसके अलावा आज कक्षा नौ का गणित विषय का क्विज अभ्यास आया हुआ है जो हमारे चैनल पर हमने डाल दिया है उसे आप देख लें शुरू करते हैं प्रश्न नंबर एक है निम्न में से कौन सा विकल्प विपरीतार्थक युग्म को व्यक्त नहीं करता है आय गुरु लघु सरल कठिन धर्म अधम तो यहां हम देखते हैं चौथा ऑप्शन धर्म अधम यह है विपरीतार्थक युग्म को व्यक्त नहीं करता है अगला प्रश्न देखते हैं शासक शब्द का विलोम है नौकर रंक शासित शत्रु तो शासक शब्द का विलोम शासित ऑप्शन नंबर तीन यहाँ सही उत्तर होगा अगला प्रश्न है उपयुक्त विलोम शब्द से खाली जगह भरें सज्जन पुरुषों को खाली जगह कष्ट देते हैं तो यहाँ खाली जगह सज्जन का विलोम शब्द आ जाएगा दुर्जन ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही उत्तर होगा अगला प्रश्न है युग्म शब्द किस चिन्ह से जुड़े होते हैं तो शब्द योजक चिन्ह से जुड़े जुड़े होते हैं तो ऑप्शन नंबर लास्ट वाला तीन तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा अगला प्रश्न देखते हैं रोटी सोटी किस प्रकार के युग्म शब्द हैं तो ये सार्थक और निरर्थक यानी कि रोटी तो यहां सार्थक है और सोटी निरर्थक है ऑप्शन नंबर चार यहाँ पर सही उत्तर होगा समनार्थक शब्द युग्म कौन सा है समनार्थक यानी कि जूता चप्पल यहां पर समनार्थक है जिनके समान अर्थ निकलते हैं अगला प्रश्न है मेमंता मन मारी रे न हाँ कर कर पीस जब मैं था तब हरी नहीं और अब हरी नहीं हैं मैं नहीं इन पंक्तियों में कबीर दास जी ने क्या नष्ट करने को कह रहे हैं तो इसमें अहंकार को नष्ट करने के लिए कह रहे हैं ऑप्शन नंबर दो यहाँ पर सही उत्तर होगा अगला प्रश्न है कबीर के अनुसार मीठे वचन क्यों बोलने चाहिए तो मीठे वचन क्यों बोलने चाहिए उनके अनुसार ऑप्शन नंबर दो यहाँ देख रहे हैं मन को शांति प्रदान करने के लिए हमें मीठे वचन बोलने चाहिए तो इस तरह से यह हिंदी विषय का कक्षा नौ का क्विज अभ्यास कंप्लीट होता है आगे के क्विज अभ्यास देखने के लिए अन्य कक्षाओं के क्विज अभ्यास देखने के लिए जुड़े रहिए बच्चों हमारे चैनल से और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद